साथियों, आज हम कंप्यूटर की 12 बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी जरूरत आपको हर एक सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं पड़ती है। ठीक है, तो उन सारी कमांड्स के बारे में हम पेंट ब्रश के दौरान चर्चा करेंगे और उनका यूज भी करके देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साथ ही उनके सारे शॉर्टकट्स के बारे में भी बात करेंगे कि अगर हम माउस की बजाय कीबोर्ड से उनका यूज करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम पेंट ब्रश में ही चलते हैं। नीचे टास्क बार में पेंट ब्रश मेरे पास खुला हुआ है। अब ऑलरेडी मेरे पास एक सर्टिफिकेट या एक इमेज ओपन की हुई है और मैं चाहता हूं कि इसको हटाकर इसके स्थान पर एक नई ड्राइंग शीट लाई जाए ताकि मैं एक नई फाइल बना सकूं। तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, सबसे ऊपर फाइल मेन्यू में जाऊंगा और न्यू पर क्लिक कर दूंगा तो नई ड्राइंग शीट आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उसका दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस एन, यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन अगर मैं करता हूं इससे भी एक नई ड्राइंग शीट आ जाएगी। तो मुझे बार बार सबसे ऊपर फाइल मेन्यू में माउस पॉइंटर को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और माउस पॉइंटर अगर यहां पर ले जाकर हम देखते हैं, माउस पॉइंटर को न्यू पर रखने से देखिए हाईलाइट भी होता है और आपको वहां पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ भी दिखता है कि न्यू और उसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन और क्रिएट अ न्यू पिक्चर, मतलब कि न्यू से हम क्या कर सकते हैं ये भी लिखा हुआ आ रहा है। और साथ ही कीबोर्ड से अगर आपको करना है तो उसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमारे सामने एक नई ड्राइंग शीट आ चुकी है कंट्रोल प्लस एन या न्यू से। अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन का मतलब मैं किसी भी पिक्चर पर कोई एडिटिंग करना चाह रहा हूं या कोई काम करना चाह रहा हूं तो मुझे वो पिक्चर जो मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ है यहां पर लाने की जरूरत है। तो इसके लिए भी मेरे पास दो तरीके हैं, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ यानी कि ओपन करूंगा या फिर ओपन पर जाकर मैं डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा। तो इसके बारे में भी लिखा हुआ रहा है ओपन कंट्रोल प्लस ओ और ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर, मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई पिक्चर रखा हुआ है तो उसे ओपन करना। ठीक है, तो ओपन में चलते हैं तो हमारे सामने एक बॉक्स आएगा जिसका नाम लिखा हुआ आ रहा है ओपन। ठीक है, ऊपर की इस पट्टी में मैं डबल क्लिक करता हूं। ठीक है, ये देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है और आपको कौन सी पिक्चर पर काम करना है उसे आपको ढूंढना है, सिलेक्ट करना है और ओपन। तो ये एक पिक्चर हमारे सामने खुलकर आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करके मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, फिर से एक नई ड्राइंग शीट आ चुकी है और कंट्रोल प्लस ओ करते हैं, फिर से हम ओपन के डायलॉग बॉक्स में आ चुके हैं और अनादर कोई पिक्चर सिलेक्ट अगर करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट किया और ओपन। ठीक है, तो न्यू और ओपन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं सेव के बारे में बात। तो कंट्रोल प्लस एन करके एक नई ड्राइंग शीट लेकर आते हैं। अब अगर मैंने यहां पर कोई फाइल ड्रॉ की, जैसे कि मैं एक मटका ड्रॉ करना चाह रहा हूं, शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल गोल बनता है। इसके बैकग्राउंड को हाइड करना चाह रहा हूं तो फील ऑप्शन में मिलता है सॉलिड कलर, इसमें कोई कलर फील कर देते हैं, फील विथ कलर टूल ऑप्शन का यूज करके, और कलर हमने जो भी चाह रहे हैं वो चूज किया। ठीक है, अब इसे मैं सेव करना चाह रहा हूं तो सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, सेव और सेव एज। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, दोनों फाइल को सेव करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है इसको हम समझते हैं आगे। तो अभी तक हमने इस पिक्चर को सेव नहीं किया है, इसका नाम ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका कोई नाम नहीं है, अनटाइटल्ड लिखा है, मतलब अभी तक ये फाइल सेव नहीं हुई है। ठीक है, तो हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया है और पहली बार सेव कर रहे हैं। पहली बार अगर किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो सेव या सेव एज दोनों में से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस्तेमाल करता हूं सेव का, सेव या फिर इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, तो सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, लेकिन कौन सा, सेव एज का। ठीक है, तो पहली बार जब हम सेव या सेव एज का यूज करेंगे तो सेव एज ही आएगा, और सेव एज जब आता है तो उसका हमेशा एक ही मतलब होगा, कंप्यूटर हमसे फाइल का नाम पूछ रहा है कि इस फाइल को, इस पिक्चर को मैं किस नाम से सेव करूं। तो इसका जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं टाइप किया और सेव। ठीक है, तो जो नाम हमने दिया था वो सबसे ऊपर यहां पर लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब ये फाइल इस नाम से सेव हो चुकी है। ठीक है, तो पहली बार किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव और सेव एज दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने सेव पर भी क्लिक किया तब भी आया कौन, सेव एज का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। अब इस फाइल में और भी कोई चेंज अगर मान लीजिए हमने किया है, ठीक है, जैसे मैंने इसके चारों ओर एक आउटलाइन बना दी,
गलत हो गया है, ब्लैक कलर लेते हैं, फील ऑप्शन में जाकर हम कर लेते हैं नो फील, ठीक है। तो ये हमने एक बॉर्डर क्रिएट कर ली है और इसके अंदर कोई कलर भी हम फील कर देते हैं, तो मैंने फील विद कलर टूल लिया और येलो कलर लेकर फील कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमने चेंज किए हैं क्या ये भी हमारी फाइल में सेव हो गए होंगे, ठीक है। तो बिना कुछ किए हम डायरेक्ट इसे क्लोज करते हैं और यहां पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डेस्कटॉप फोटो, मतलब फाइल का नाम आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि इस फाइल में जो भी चेंजेस आपने किए हैं क्या उन चेंजेस को कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं। तो हमने अगर किया डोंट सेव, ठीक है, तो हम बाहर आ चुके हैं। अब उस फाइल को हम फिर से ओपन करते हैं, तो चलते हैं पेंट ब्रश में और ओपन में कंट्रोल प्लस ओ भी हम कर सकते हैं। अब ओपन करने पर क्या जो चेंजेस हमने किए थे वो दोबारा आपको मिलेंगे, तो चलकर देख लेते हैं कंट्रोल प्लस ओ और हमारी फाइल कहां पर है उसे ढूंढते हैं। ये रहा, सिलेक्ट किया या डबल क्लिक, तो देखिए मटका हमने बनाया था उतना आ गया है जहां तक हमने सेव किया था, लेकिन उसके बाद में हमने एक आउटलाइन बनाई थी, कलर फिल किया था, तो वो नहीं आया। तो इसका मतलब आप समझे होंगे जितना भी चेंज हमने किया है हमारी फाइल में, हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा, यानी कि जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा ही हमारी फाइल में सेव हो, इसलिए हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको सेव या कंट्रोल प्लस एस करते रहना है, ठीक है। तो हम फिर से करते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं, ब्लैक कलर से मैंने एक आउटलाइन ड्रॉ की, फिर से मैं कोई कलर फिल कर लेता हूं येलो, ठीक है। अब सेव करने के बाद में जो चेंजेस हमने किए हैं उन्हें भी हम चाहते हैं कि हमारी फाइल में सेव रहे, इसलिए फिर से कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एस या फिर फाइल मेन्यू में जाकर सेव। तो सेव पर क्लिक करते ही या फिर कंट्रोल प्लस एस करते ही हमारा जो माउस पॉइंटर है उसको ध्यान से देखिए, एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और वो सर्कल जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब कोई ना कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है, और क्या हो रहा है, हमने सेव पर क्लिक किया या फिर कंट्रोल प्लस एस किया था, इसका मतलब फाइल में ये चेंजेस सेव हो चुके हैं, ठीक है। अब पेंट ब्रश को हम फिर से क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये सारे चेंजेस फाइल में बंद हो चुके हैं। अब दोबारा जब भी हम पेंट ब्रश को ओपन करेंगे और ओपन में जाकर फाइल को ढूंढेंगे, तो ये देखिए डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। अब देखिए, अब जो चेंजेस हमने किए थे और कंट्रोल एस करके सेव किया था, तो वो चेंजेस हमारी फाइल में आ चुके हैं, ठीक है। तो सेव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सेव का मतलब है हमारी फाइल में जितने भी चेंजेस हमने किए हैं उन चेंजेस को हम चाहते हैं कि हमारी फाइल में सेव होता जाए, यानी कि इकट्ठा होता जाए। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको कंट्रोल प्लस एस करके सेव करते जाना है, ठीक। अगला ऑप्शन है सेव एज, इसका यूज हमने पिछले वीडियोस में करके देखा है, हमारे सामने जो फाइल है उस फाइल को अलग अलग नाम से सेपरेट फाइल के रूप में हम सेव कर सकते हैं और इसके लिए भी शॉर्टकट है F12। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट, प्रिंट का मतलब हमने जो फाइल बनाई है उसे कागज पर या फ्लैक्स पर या टी शर्ट वगैरह पर भी हम प्रिंटिंग करते हैं, तो जहां पर भी हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट ऑप्शन का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। तो प्रिंट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा प्रिंट का। अब प्रिंट कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या सेटिंग्स को ध्यान रखने की जरूरत होती है, इस सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है कट कॉपी और पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट, इसके लिए मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूं, ओपन में चलते हैं कंट्रोल प्लस ओ और हमारी कोई फाइल यहां पर हम ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है, ये रही, सिलेक्ट किया और ओपन। अब मान लीजिए हमने फाइल में जो भी काम किया है उसमें अगर कोई पार्ट कोई हिस्सा गलत जगह पर रख दिया गया है तो उसको वहां से हटाकर किसी और जगह पर ले जाना है, तो इसके लिए तरीका क्या है, कट एवं पेस्ट। तो सबसे पहले सिलेक्ट टूल लिया और जिस भी हिस्से को गलत जगह रखा गया है या टेक्स्ट को गलत जगह रखा गया है उतने हिस्से को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन बॉक्स के अंदर तो आपको मिलेगा कट। तो कट पर क्लिक करते ही देखिए जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना स्क्रीन से चला गया है और राइट क्लिक करने पर आपको मिलता है पेस्ट, तो पेस्ट करते ही वो हिस्सा वापस आ जाएगा, ठीक है। या फिर कंट्रोल प्लस जेड जेड करते हैं या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स से भी कट हो जाएगा और कंट्रोल प्लस वी से भी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है एक स्थान से किसी ऑब्जेक्ट को
या किसी फाइल के हिस्से को कट करके दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं। या फिर हमारे पास एक तरीका और है, सिलेक्ट टूल लेकर सिलेक्ट किया और सीधा माउस पॉइंटर की सहायता से इसको ड्रैग करके कहीं और शिफ्ट कर दिया, तो ये भी कट और पेस्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी एवं पेस्ट, मतलब एक ही चीज की हमें बार बार जरूरत पड़ रही है तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कॉपी और राइट क्लिक पेस्ट करेंगे तो उसका डुप्लीकेट बनकर आ जाएगा, तो सेम टू सेम एक कॉपी हमें और मिल जाएगी। ठीक है, या फिर इसके लिए दूसरा तरीका है शॉर्टकट सिलेक्ट टूल लेकर हमने सिलेक्ट किया और कॉपी, तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा, और पेस्ट के लिए वही तरीका है कंट्रोल प्लस वी, तो कंट्रोल प्लस वी करते ही ये हमारे सामने आ गया है, इसको उठाकर हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कट कॉपी एवं पेस्ट, इन तीनों में तीनों का उपयोग क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। कट एवं कॉपी दोनों की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, सी यू टी कट और सी ओ पी वाई कॉपी, तो कट के लिए शॉर्टकट क्या है और कॉपी के लिए शॉर्टकट क्या है ये अगर आपको ध्यान रखना हो तो ध्यान रखने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सी यू टी कट, इसके लिए आपको एक्स को याद कर लेना है, जैसे कागज पर हम कुछ टाइप कुछ लिखते हैं और गलत हो जाता है तो हम उसे एक्स बनाकर या क्रॉस करके कट कर देते हैं, और क्रॉस का मतलब अल्फाबेट में एक्स होता है। ठीक है, तो कट का शॉर्टकट हो गया कंट्रोल प्लस एक्स। अब दूसरा ऑप्शन बचा है कॉपी, तो उसको हम शॉर्टकट दे देते हैं कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए हमने दिया है कंट्रोल प्लस वी। अब कंट्रोल प्लस वी इसलिए क्योंकि कंट्रोल प्लस पी यानी कि पी जो लेटर है वो प्रिंट ऑप्शन को दिया हुआ है, इसीलिए पेस्ट को कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट दे दिया गया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करके हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। कॉपी और पेस्ट का उपयोग करने के लिए मैं एक ड्रॉइंग और बनाता हूं, कंट्रोल प्लस एन करते हैं, न्यू डोंट सेव, हम यहां पर एक स्माइली डिजाइन करते हैं, तो मैंने शेप डिजाइन की एक ओवल, इसकी दो आंखें होना चाहिए तो मैंने एक ड्रॉ की, अब इस आंख की कॉपी में करना चाह रहा हूं। अगर मैं दोबारा सेम टू सेम आंख बनाने जाऊंगा तो मुझे मेहनत भी बहुत लगेगी और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेम टू सेम बन जाए, इसीलिए इतनी मेहनत करने की बजाय मैं इसकी कॉपी कर लूंगा। तो कॉपी करने के लिए सिलेक्ट टूल लिया, जितना हम चाहते हैं उतना हिस्सा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी राइट क्लिक पेस्ट, तो ये पेस्ट करने पर डुप्लीकेट बनकर आ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक कर्व लाइन सेलेक्ट करते हैं और स्माइल, इसको दो बार मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्माइली हमने बना दी और इसकी नाक हम बनाते हैं, अब अभी तक हमने क्या किया था, सिलेक्ट टूल का यूज करके एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट किया था जितना हम चाहते हैं, और कट कॉपी या डिलीट हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी ड्राइंग शीट यानी कि पूरा का पूरा फाइल हम सिलेक्ट कर लें, तो इसके लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करेंगे और उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए करते ही देखिए फाइल के चारों ओर एक सिलेक्शन की आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है, बॉर्डर। ठीक है, मैं इसके बटन दबाकर इस सिलेक्शन को हटा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा, फिर से हम करते हैं कंट्रोल प्लस ए, तो ये देखिए चारों ओर एक बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अब इस पूरी फाइल को उठाकर हम कहीं और शिफ्ट करना चाहें या डिलीट करना चाहें या कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, अब कंट्रोल प्लस जेड करके मैं अंडू कर लेता हूं, एक स्टेप पीछे हम चले जाते हैं। अब अंडू और रिडू के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियोस में बात हो चुकी है, अंडू का मतलब एक एक स्टेप पीछे जाना और रिडू का मतलब एक एक स्टेप फिर से आगे बढ़ना। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक नई ड्राइंग शीट ले लेते हैं, न्यू कंट्रोल प्लस एन डोंट सेव, मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे मैंने एक शेप बनाई ये बनाया, अब इनमें अलग अलग कलर में फील करना चाह रहा हूं, तो पहला कलर में लेना चाह रहा हूं और फिर दूसरा कलर लिया। ठीक है, फिर तीसरा कोई कलर मैंने सिलेक्ट किया और गलती से कहीं बाहर क्लिक हो गया या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो काम करने के दौरान जैसे कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है कोई, तो एक स्टेप हम चाहेंगे कि पीछे चले जाएं ताकि फिर से हम नए सिरे से कर सकें, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम करेंगे अंडू, और अंडू के लिए है कंट्रोल प्लस जेड उसका शॉर्टकट, तो कंट्रोल प्लस जेड 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 जेड,
जितना कंट्रोल प्लस जेड यानी कि अंडू करेंगे उतनी स्टेप्स हम पीछे पीछे जाएंगे और कहां तक चले जाएंगे, जहां से हमने काम करना शुरू किया था। ठीक है, अब अगर जरूरत से ज्यादा ही पीछे चले गए हैं तो एक एक स्टेप हमें वापस आगे बढ़ने की जरूरत है, और आगे बढ़ने के लिए हमारे पास तरीका है रीडू। रीडू के लिए तरीका, रीडू के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई 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 वाई, जितना हम वाई करेंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे, और कहां तक, जहां तक हमने कोई चेंजेस किए थे। ठीक है, तो अंडू और रीडू दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अंडू यानी कि कंट्रोल प्लस जेड यानी एक एक स्टेप पीछे पीछे जाना, और रीडू का मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट, एक एक स्टेप आगे आगे जाना। ठीक है, अंडू का मतलब पूर्वावस्था में जाना और रीडू का मतलब कि वर्तमान अवस्था में चले आना। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकल जाना, यानी कि हम जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं या जिस फाइल में काम कर रहे हैं, चाहे पेंट ब्रश हो या एमएस ऑफिस हो या कोई वीडियो गेम हो या फिर इंटरनेट पर हम ब्राउजिंग कर रहे हो, तो किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम काम कर रहे हैं और उसे क्लोज करके बाहर निकलने की जरूरत हो, तो हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सबसे ऊपर, यहां पर आपको क्लोज बटन दिखाई देता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर स्क्रीन के। ठीक है, या तो यहां से कर सकते हैं, तो मैंने किया। ठीक है, दूसरा तरीका है सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर फाइल मेनू में हमें मिलता है एग्जिट। ठीक है, इससे भी एग्जिट हो गया है। और तीसरा तरीका है एग्जिट के लिए शॉर्टकट अल्टर प्लस F4। तो देखिए, अल्टर प्लस F4 से भी एग्जिट हो गया है। अब चाहे पेंट ब्रश हो या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो या इंटरनेट हो या कंप्यूटर की मेमोरी में हम काम कर रहे हो, तो हर एक को क्लोज करने का या उससे एग्जिट करने का तरीका है अल्टर प्लस F4। बल्कि अल्टर प्लस F4 से हम कंप्यूटर को भी शट डाउन यानी कि बंद कर सकते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये 12 बेसिक कमांड्स समझ में आई होंगी न्यू से लेकर एग्जिट तक की। ठीक है, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन आपका बनता है आप बिल्कुल कमेंट में हमसे पूछिए। धन्यवाद।